ये शिवलिंग तो बहुत तेज चमक रहा है। ऐसे तेजस्वी शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, इस घटोत्कच पुत्र बर्बरीक का प्रणाम स्वीकार करें। हे देवियों, हे देवियों, क्या आप हमें ये बताने का कष्ट करेंगी कि ये सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी इस शिवलिंग की स्थापना किसने की है? हे वीर पुरुष, संपूर्ण नागों के राजा महात्मा शेषनाग ने यहाँ कठोर तपस्या करके इस तेजस्वी शिवलिंग की स्थापना की है। इसके दर्शन, स्पर्श, ध्यान और पूजन से सब प्रकार के कार्य सिद्ध हो मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। हे देवियों, कृपया हमें अपना परिचय भी दीजिए और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप किस कार्य सिद्धि व मनोवांछित फल के लिए इस महान शिवलिंग की पूजा कर रही हैं। हे राजकुमार, हम तो नाग कन्याएं हैं और हम जिस कार्य सिद्धि पे मनोवांछित फल के लिए इस तेजस्वी शिवलिंग की पूजा कर रही थी, वो आज आपके रूप में हमें प्राप्त हो गया है। मेरे रूप में? मैं आपके कहने का अभिप्राय नहीं समझा देवी। तो अभिप्राय भी हमें ही समझाना पड़ेगा। हे वीर पुरुष, जब आप आकाश मार्ग से पलाशी दैत्य के पीछे जा रहे थे, हमने तभी आपको मन ही मन अपना स्वामी मान लिया था और हमें ये भी ज्ञात है कि आप नागलोक से 9 करोड़ मायावी पलाशी दैत्यों का वध करके आए हैं और हमने इस तेजस्वी शिवलिंग से आप जैसे वीर, सुंदर वे प्रतापी वर की कामना की थी और वो सभी गुण आप में विद्यमान हैं। अतः हे बर्बरिक, हम नाग कन्याओं से विवाह कर हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। नहीं देवी,
मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे लिए असंभव है। असंभव? असंभव जैसे शब्द का प्रयोग आप जैसे वीर और सुंदर राजकुमार को शोभा नहीं देता। मैंने कहा ना देवी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे लिए असंभव है। स्वीकार कर लिए
हमारे सौंदर्य में कोई कमी है बर्बरी, या फिर तुमने किसी और स्त्री से विवाह कर रखा है? नहीं देवी, न तो आपके रूप सौंदर्य में कोई कमी है और न ही हमने किसी और स्त्री से विवाह कर रखा है, अपितु हमने तो इन दसों दिशाओं को साक्षी मानकर अखंड ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है। हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य इस जग का कल्याण करना है। इस पृथ्वी लोक के हर प्राणी को हम सुखी, प्रसन्न व समर्थ देखना चाहते हैं, इसलिए ही हम विवाह के बंधन में बंध कर अपने धर्म कर्म से विमुख नहीं होना चाहते। राजकुमार, इसमें धर्म कर्म से विमुख होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। विवाह तो इस सामाजिक जीवन की वो सुखद आवश्यकता है जिससे मानवता का विकास होता है, और गृहस्थ जीवन को तो वेद पुराणों में भी सबसे बड़ा तप माना है, तो इसमें बुराई क्या है? बोलिए राजकुमार। इसमें कोई बुराई नहीं देवी, और ये भी पूर्णतया सत्य है कि गृहस्थ जीवन को वेद पुराणों में बहुत बड़ा तप माना है, किंतु ये कथन उन लोगों पर लागू होता है जो और कोई तप नहीं कर सकते, और ये तप मानव के लिए बहुत सरल व सुखदायी है, इसीलिए हर इंसान इसका प्रचार प्रसार जोर शोर से करता है कि गृहस्थ जीवन बहुत बड़ा तप है। वेद पुराणों में तो ब्रह्मचार्य व्रत को गृहस्थ जीवन से भी ऊपर माना है, किंतु आज कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं, क्योंकि ये बहुत कठिन कार्य है। देवी, ये रूप सौंदर्य, काम कामिनी, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगियों को भी अपने वश में कर लेती है, फिर साधारण इंसान इसे कैसे अछूता रह सकता है? लेकिन राजकुमार, हमने तो प्रथम दृष्टि में ही मन आपको अपना स्वामी मान लिया था। यदि आपने हमें अपनी अर्धांगिनी नहीं बनाया तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। हे देवी, मुझे और ज्यादा विवश न करें। मैं एक स्त्री को केवल दो ही रूपों में देखता हूं, एक रूप माता का व दूसरा बहन का। इसके अतिरिक्त हमारे मन में अन्य कोई विचार नहीं आता। अतः हे देवियों, अपने मन व अपनी इंद्रियों पर संयम रखें, और पुनः इस महान शिवलिंग की आराधना करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होगी। हे देवियों, अब मुझे अनुमति दें ताकि मैं अपने शेष कार्य पूर्ण कर सकूं। बहन, ये तो अवश्य ही कोई महान आत्मा है। ऐसे सिद्ध पुरुष के दर्शनों से ही जीवन के सब पाप धुल जाते हैं। प्रणाम। बर्बरिक, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था।
क्या हुआ ब्राह्मण देव, आप बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। लगता है आपको सब सिद्धियां प्राप्त हो गई। हां बरबरीक, मुझे आज वो दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त हो गई जिसे प्राप्त करना बड़ा कठिन व असंभव था, और माता वैष्णवी ने मुझे साक्षात दर्शन देकर ये सिद्ध श्रेय प्रदान किया और मेरा नाम सिद्ध सेन रख दिया। किंतु हे बरबरीक, मुझे ये सिद्धियां केवल आपकी कृपा से ही प्राप्त हो सकी। आपने अत्यंत वीरता व अदम्य साहस से राक्षसों का वध कर मेरे यज्ञ में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने दी। यदि आप मेरा इस कार्य में सहयोग नहीं करते तो मैं कभी ये सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकता था। हे महापुरुष, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं और आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं ब्राह्मण देव, इसमें आभार कैसा? मैंने तो केवल अपना क्षत्रिय धर्म निभाया है। माता वैष्णवी ने मुझे जो आदेश दिया था मैंने उसी का पालन किया है, और वैसे भी मानव कल्याण हेतु आपने जो कठोर साधना की है यह अस्मरणीय है। इस महान कार्य के लिए माता यदि मुझे आज्ञा नहीं भी देती तो भी मैं इस कार्य में आपकी सहायता करता। हे बरबरीक, धन्य है वो माता जिसने तुम जैसे परोपकारी पुत्र को जन्म दिया, लेकिन मैं तुम्हारे इस उपकार के बदले तुम्हें कुछ भेंट करना चाहता हूं। हे बरबरी, यह मेरे हवन कुंड से उत्पन्न हुई ये सिंदूर के समान लाल रंग की सात्विक व अत्यंत पवित्र भस्म है। इस दुर्लभ भस्म को अपने शत्रु पर फेंकने से उसके शरीर का वहीं विनाश हो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसकी एक चुटकी भस्म से बहुत विशाल सेना क्षण भर में नष्ट हो सकती है, और ये भस्म कभी समाप्त नहीं होगी। अतः तुम जैसे साधु पुरुष के लिए ये भस्म बहुत उपयोगी है। हे ब्राह्मण देव, आपने मुझे साधु पुरुष की संज्ञा दी है, और सच्चा साधु वही होता है जो निष्काम भाव से किसी पर उपकार करता है। किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखकर जो उपकार करता है वह साधु नहीं पाखंडी कहलाता है। अतः हे ब्राह्मण सिद्धसेन, मुझे आपकी यह भस्म नहीं चाहिए। मेरे तर्कस में आप जो ये तीन वाण देख रहे हैं, ये तीन वाण ही त्रिलोक विजय के लिए काफी हैं। इन तीनों लोकों में कोई ऐसा महारथी सूरवीर योद्धा पैदा नहीं हुआ जो मेरे एक वाण का भी सामना कर सके, तो फिर मुझे इस भस्म की क्या आवश्यकता है? जैसी आपकी इच्छा बरबरी। किंतु मैं तो तुम्हें इस उपकार के बदले में कुछ देना चाहता था। हे ब्राह्मण देव, आज आपने ये अनमोल सिद्धियां प्राप्त की हैं, इसीलिए आपके चेहरे पर प्रसन्नता है, और आपकी ये सिद्धियां लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण करेंगी। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा पारितोषिक है। जैसी तुम्हारी इच्छा बरबरी। अब मैं यहां से प्रस्थान करना चाहता हूं ताकि इन सिद्धियों से जग कल्याण कर सकूं।
किंतु जाते जाते ये अवश्य कहूंगा कि तुम्हारे जैसा सत्पुरुष न तो इस पृथ्वी पर है, न हुआ है और न कभी होगा। आने वाला युग तुम्हारे नाम की इस तीन वाणधारी की जय जयकार करेगा। प्रणाम ब्राह्मण देव। यशस्वी भव। मैं माँ हूँ, धरती माँ, तो इस प्रकार ब्राह्मण सिद्ध सेन की ये वाक्य कि आने वाला युग यानी कलयुग तुम्हारे नाम की तीन वाणधारी की जय जयकार करेगा, कहना पूर्णता सत्य है, क्योंकि सिद्ध सेन ब्राह्मण भी मेरी तरह आने वाला युग देख रहे थे, किंतु कलयुग आने में तो अभी काफी समय शेष है। उससे पहले तो मेरी धरा पर एक बहुत भयंकर महायुद्ध होगा, जिसमें लगभग पृथ्वी के सभी योद्धा मारे जाएंगे और उसके अंकुर फूटने भी प्रारंभ हो गए हैं। मामा शकुनी वे दुर्योधन ने छल कपट से पांचों पांडवों को द्रुत कीड़ा यानी चूहे में हरा दिया और उनका समस्त राजपाट यहाँ तक कि द्रौपदी सहित पांचों पांडवों को भी जीत लिया और उन्हें 12 वर्ष का वनवास व 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। अभी पांडव 12 वर्ष के वनवास को बिताने जंगलों में घूम रहे थे। प्यास से व्याकुल होने के कारण युधिष्ठिर भीमसेन को सरोवर से पानी लाने के लिए भेजते हैं।